राजा राम प्रथम ने चीन दूत भेजा था, क्योंकि इनका जो व्यापार जो है इस रास्ते होते हुए इनका व्यापार जो है चीन के तरफ होता था। तो इसने जो है अपना दूत चीन भी भेजा। सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने चीन दूत भेजा। कई बार प्रश्न पूछता है कि चीन दूत किस शासक ने भेजा था, चोल शासक ने। तो याद रखिएगा राजराज प्रथम ने। इसने कुछ उपाधि लिया था, जो उपाधि लिया था उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुमांडी चोल जयगुंड और चोल मर्तंडे। ये याद रखना बहुत कठिन है, ये बार बार पूछता है। चोल याद रखिएगा, चोल तो उससे ये आपको याद हो जाएगा, चोल मार्तंड की उपाधि याद आ जाएगा। जय गुंड, कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो क्या होता है, कोई प्रदेश जीतता है, जय तो जीतने वाला को क्या कहता है, विजेता। तो याद रखिएगा जय को आप याद रखिएगा, जो जीतता है उसको हम कहते हैं जय, तो जय गुंड याद हो जाएगा। और मुमांडी चोल याद रखिएगा कि इसमें जो चोल है लास्ट में लगा हुआ है, मुमांडी मुंह मंडी, मुंह को याद रखिएगा तो इससे आपको मुंह मंडी याद हो जाएगा। ये याद करना बहुत कठिन है और एग्जामिनर इसी को दे देता है, वो जानता है कि आपसे याद नहीं होगा, इसीलिए वो इसको उठाकर दे देता है, पूछता है कि ये किसने उपाधि लिया था। ऐसे तो चोल काल में जो कुछ शब्द है वो कठिन है याद करना, लेकिन किसी ना किसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। मुमांडी चोल को याद रखेगा, मुंह याद रखेगा, मुंह से मुमांडी चोल याद आ जाएगा। जय गुण शक्तिशाली, जय जीतने वाला कहते हैं, जय से आपको जय गुण याद आ जाएगा। और चोल मार्तंड तो आपको याद आ ही जाएगा, चोल याद आ जाएगा तो चोल मार्तंड याद आ जाएगा। लेकिन याद रखेगा राज प्रथम, इनका नाम भी याद करना कठिन होता है। तो याद रखेगा राज, रसे राजा राज, और फिर दोबारा राज प्रथम ने ये उपाधि लिया था। अब है राजेंद्र प्रथम, तो यह भी इससे भी ज्यादा शक्तिशाली चोल शासक हुआ। इसने तो कई द्वीपों को जीता, इसने इंडोनेशिया के ये क्षेत्र पर भी इसने अधिकार कर लिया था, यहाँ के शासक को भी इसने हरा दिया था। कहा जाता है कि श्रीलंका के जो क्षेत्र इसके पिता ने, जो राजराज प्रथम ने इतने क्षेत्र को जीता था और इसका एक नया प्रांत इसको बनाया, इसका नाम रख दिया था, इसने क्या किया कि इसको भी जीत लिया, मतलब पूरे श्रीलंका को जीत लिया। और यहाँ का जो शासक था महेंद्र पांच, उसको ले आया वहां से और बंदी बना के कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि 12 साल बाद कारागार में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कभी वो स्वतंत्र नहीं हो सके श्रीलंका के शासक, इतने ये शक्तिशाली थे। समझ लीजिए कितने शक्तिशाली थे कि पिता यहाँ आधा श्रीलंका पे कब्जा करता है और बेटा जो है पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लेता है। इसीलिए इनकी ख्याति है और इतिहास में इसीलिए इनको जाना जाता है कि आज जो श्रीलंका देश है उसको कभी भारत का ही अभिन्न अंग था और दक्षिण भारत के ये चोल शासक ने पूरे श्रीलंका पे ही कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसने क्या किया कि चेर पांड्या को भी हराया। अभी जो ये चेर इधर जो क्षेत्र जो चेरों का था और इधर पांडवों का था, वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था, कुछ क्षेत्र उसको इन्होंने जीत लिया था, लेकिन अभी भी इनका ये क्षेत्र जो था बचा हुआ था। अब क्या करता है, इन क्षेत्रों को भी यह जीत लेता है, अधिकार में ले लेता है और इनको भी हराता है। अब क्या हुआ कि राजा राम प्रथम ने दक्षिण तो विस्तार कर ही रहा था, उत्तर विस्तार करने की इसने योजना बनाई। और यहाँ जो पाल शासक थे, आपको याद होगा हमने पढ़ाया था धर्मपाल के बारे में, उसी में से एक शासक था महीपाल, यहाँ शासन कर रहा था, जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था, अभी जो है कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश के अंतर्गत आ गया है, उस समय यह भारत के अंतर्गत था। यहाँ पे जो है शासन कर रहा था पाल शासक महीपाल। इसने क्या किया, यहाँ से सेना ले जाकर यहाँ हराया, मतलब दक्षिण भारत से पहला कोई ऐसा शासक था जो यहाँ से जाकर उत्तर भारत के शासक को हराया। एक बार तो आपने देखा कि राष्ट्रकूट शासक जो था, इसने भी क्या किया था कि यहाँ से जाकर पाल शासक को हराया, यहाँ प्रतिहार शासक को भी हराया था। एक तो दक्षिण के ये शासक थे राष्ट्रकूट, और दूसरा जो था ये चोल शासक था जिसने यहाँ से जाकर यहाँ पर हराया। कहा जाता है कि उत्तर भारत में जाकर दक्षिण भारत का कोई शासक हराया तो वह था राजेंद्र प्रथम। और कहा जाता है कि इसने किसको हराया, तो महीपाल को हराया। ये कई एग्जाम में पूछा गया, खासकर बीपीएससी बिहार दरोगा, यूपीपीसीएस यूपी का कोई एग्जाम, उसमें कई बार यह रिपीट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा जाता है कि किस चोल शासक ने महीपाल को हराया था। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम ने हराया था। और इसको हराने के बाद, क्योंकि यह गंगा का क्षेत्र है, इधर तो गंगा बहता है, गंगा के क्षेत्र को पर गया था, हराया था, तो वहाँ एक नाम इसने दिया था, गंगा
कुंड चूल इसने उपाधि धारण किया था, किसने? राजेंद्र प्रथम ने। हमेशा पूछता है ये एग्जाम में कि गंगा कुंड चूल की उपाधि किसने धारण किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने, याद कीजिएगा। कभी कभी राजेंद्र प्रथम के जगह पे राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय भी दे देता है, तो याद रखिएगा प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। इसने क्या किया था? गंगा कुंड चूल की उपाधि धारण किया था। और ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर चूल से कोई प्रश्न बनता है और राजेंद्र प्रथम से कोई प्रश्न बनता है, तो एक तो ये बंगाल के शासक महिपाल से प्रश्न पूछता है, दूसरा है कि उपाधि कौन सा लिया था इनको हराने के बाद, तक गंगा कुंड चूल। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? गंगा को याद रखिएगा, गंगा कुंड चूल याद आ जाएगा। जैसे ही गंगा याद आएगा तो गंगा से गंगा कुंड चूल, यही याद करने का तरीका है, गंगा को याद रखिएगा। इसने एक राजधानी भी बनाया, यहाँ पे जीता हुआ क्षेत्र था जिसने, अब इस क्षेत्र को जीता, गंगा कुंड चूल उपाधि धारण किया, तो एक नया राजधानी भी इसने बना दिया, गंगा कुंड चूलपुरम। याद रखिएगा यहाँ भी गंगा लगा हुआ है, इसलिए इसको याद करना बहुत आसान है। गंगा कुंड चूल उपाधि और गंगा कुंड चूलपुरम नई राजधानी। और यहाँ पे एक तालाब भी बनाया है इसने, चूल गंगम, इसमें भी गंगा लगा हुआ है। यहाँ देखिए गंगम, चूल गंगम, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमेशा ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही पूछता है कि कौन सा शासक जो है महिपाल को हराया, क्या उपाधि लिया, नई राजधानी जो बनाया क्या नाम दिया, कौन सा तालाब खुदवाया, तो ये याद रखेगा। एक इसने और आगे बढ़ के काम किया था कि इसके पिता ने इस क्षेत्र को जीता और अब जो है इसने श्रीलंका को जीत लिया, कौन? राजेंद्र प्रथम ने। अब इसने क्या किया कि इधर जो है जाकर यहाँ पे जो इंडोनेशिया में एक शासक थे श्री विजय नरेश संग्राम कोलुतुंग वर्मन, इनको जाके इसने हरा दिया। क्यों हराया? इसका कारण था, यहाँ से जो चूल का व्यापार होता था, क्योंकि चूल के आय का स्रोत था एक कृषि, दूसरा था व्यापार, तो व्यापार जो होता था तो ये जो थे ये अब बाधा पहुंचा रहे थे, और बाधा पहुंचाने के कारण ही यह इसको हराने के लिए गया, उनको हराया भी। और 1200 द्वीपों पर कहा जाता है यहाँ भी कुछ द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया था, मतलब इधर से लेकर यहाँ और इधर से लेकर यहाँ इतना शक्तिशाली हो गया बंगाल की खाड़ी में, मतलब समझिए कि इनका प्रभुत्व चलता था, इस क्षेत्र पर पूरा इनका अधिकार था। और इसका कारण थे इनकी नौसेना जो थी सबसे शक्तिशाली थी, नौसेना के बल पर ही इन क्षेत्रों पर इन्होंने विजय पाया था। इसने क्या किया था? मलाया, जावा, सुमात्रा द्वीप जो है इस पर भी अधिकार कर लिया था। अधिकार करने का अर्थ है कि ये इसके अंतर्गत आ गया, व्यापार जो इनका होता था इसमें कोई इनको बाधा देने वाला नहीं था। चूंकि श्री विजय नरेश संग्राम कोलुतुंग वर्मन हार गए थे, एक प्रश्न पूछता है कि श्री विजय संग्राम कोलुतुंग वर्मन को किसने हराया, विजय नरेश संग्राम कोलुतुंग को किसने हराया, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम, पूरा नाम इनका याद रखिएगा। इसको याद किसे करिएगा? श्री विजय नरेश तो ऐसे ही याद रहेगा, संग्राम याद कीजिएगा। संग्राम युद्ध होता है तो क्या होता है, उसको संग्राम होता है, दो पक्ष लड़ते हैं तो क्या होता है, संग्राम ही होता है, तो इससे आ गया संग्राम याद आ गया। और कोलुतुंग वर्मन, जब युद्ध होगा तो क्या होगा, कोलाहल होगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, कोलुतुंग, तो कोलू याद रखिएगा, तो संग्राम कोलुतुंग वर्मन आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, ट्रिक हम बताते चलते हैं, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिसको याद करना काफ़ी कठिन है चूल काल के, और इसको आपको इसी तरह याद रखना होगा कि जो इसने श्री विजय नरेश, जो यहाँ जाके जो इसने युद्ध किया, यहाँ का शासक था श्री विजय नरेश संग्राम कोलुतुंग वर्मन, तो इसको याद रखिएगा कि कोई भी जब दो शक्तिशाली शासक लड़ता है तो क्या होता है, संग्राम होता है, और संग्राम हुआ तो क्या, कोलाहल होगा, तो कोलुतुंग वर्मन ये आपका वहाँ के शासक का नाम याद करने का ट्रिक है। और इसने उपाधि भी लिया था, इसके समय में शिक्षा का भी काफ़ी विकास हुआ था, एक तो कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, इसने माप भी कराया भूमि का, पैमाइश भी कराया, कृषि के विकास के लिए इसने जंगलों की भी सफाई करवाई, जो जंगल बचे हुए थे उसको साफ करवाया, नहरें खुदवाया, तालाब खुदवाया, ये सब काम किया, तो कृषि से इसको आय बढ़ा। अब व्यापार को भी बढ़ावा दिया, इसीलिए यहाँ पे जाके युद्ध किया, इसीलिए श्रीलंका को भी हराया, पूरा श्रीलंका पे कब्जा किया। साहित्य के क्षेत्र में भी इसने विकास करने की कोशिश की, और इसने उपाधि ले लिया पंडित चूल। देखिए साहित्य की एक उपाधि लिया पंडित चूल, अपने आप को पंडित माना, इसलिए कि साहित्य विकास में इसने योगदान दिया था, पंडित चूल, पंडित से तो आपको याद ही हो जाएगा। और मुंडी गुंड चूल, मुंडी गुंड, मुंडी क्या होता है, ज्ञान का विकास क्या होता है, सर के ऊपर होता है, तो मुंडी गुंड और चूल तो आपको याद ही हो जाएगा, ये उपाधि याद करने का एक तरीका है। इस तरह आप याद करेंगे तो याद होगा, अगर सीधा याद करेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा इनका नाम, क्योंकि इनका नाम कठिन है और बिना ट्रिक और बिना कुछ शब्दों को याद किए हुए इनका नाम याद नहीं होता है।
दोस्तों आगे जो शासक आए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। और लास्ट में यही कहेंगे कि अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। बीपीएससी बिहार दरोगा चाहे जितने भी एग्जाम पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे के होते हैं उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे प्रश्न 100% आएंगे। बाद में हम प्रश्नों को भी देखेंगे, चोल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं चाहे वह पीसीएस में पूछे गए हैं चाहे एसएससी बैंकिंग और रेलवे में गए, सारे प्रश्नों को हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।